अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आदिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत की रोशनी में ड्रग फ्री पंजाब के लिए पुलिस क्रैकडाउन में तेजी। पंजाब पुलिस के एक दिन में लाहौर समेत सुबह भर में मंशियात फरोशों के ठिकानों पर 324 छापे। मकरू धंधे में मुलविस मुलजमान के खिलाफ 120 FIRs दर्ज, 125 मुलजमान गिरफ्तार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत अहम इजलास। कच्चा और बॉर्डर एरियाज में पंजाब पुलिस की ऑपरेशनल कारकर्दगी मजीद मौसर बनाने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। सेफ सिटी की बड़ी कामयाबी, झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले मोबाइल स्नैचर्स को कैमरों के जरिए ट्रेस करके गिरफ्तार करवा दिया। ननकाना साहब में बिसाखी मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए। DPO साद अजीज, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने दीगर जिले सरबराहान के हमरा मेहमान यात्रियों का इस्तकबाल किया। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 85,725 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,918 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 62,464 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,763 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 660 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकाम पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग साइबर क्राइम सेल में अफसरान की खसूसी ट्रेनिंग जारी। पुलिस अफसरान को जराइम पेशा नासिर से नबर्द आजमा होने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग दी जा रही है। शाबाश लाहौर पुलिस, शाबाश। चौकी हल्लों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 साल बच्चे से ज्यादती की कोशिश का मुर्तकिब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत की रोशनी में ड्रग फ्री पंजाब के लिए पुलिस क्रैकडाउन में तेजी आ गई। पंजाब पुलिस के एक दिन में लाहौर समेत सुबह भर में मंशियात फरोशों के ठिकानों पर 324 छापे मारे गए। मकरू धंधे में मुलविस मुलजमान के खिलाफ 120 FIRs दर्ज हुई, 125 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से 74 किलो चरस, 2 किलो हेरोइन, 5 किलो अफ्यून और 1,452 लीटर शराब बरामद की गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में गुजश्ता 50 दिनों के दौरान मनशियात फरोशों के ठिकानों पर 15,000 से जायद छापे मारे गए। मनशियात फरोशों के खिलाफ 7,167 मुकदमात दर्ज हुए और 7,625 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से 4,971 किलो चरस, 90 किलो हेरोइन, 26 किलोग्राम आइस, 215 किलो अफ्यून और 97,676 लीटर शराब बरामद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत अहम इजलास में कच्चा और बॉर्डर एरियाज में पंजाब पुलिस की ऑपरेशनल कारकर्दगी मजीद मौसर बनाने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल IG जनूबी पंजाब DG खान और भावलपुर रेंजेस के RPOs और DPOs ने भी शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस कच्चा एरियाज और सरहदी इजला में डाकुओं, दहशतगर्दों, शरपसंद अनासिर के खिलाफ खौफ की अलामत है। राजनपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ समेत सरहदी इजला में डाकुओं, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। सरहदी इजला में पंजाब पुलिस को ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स की मद में मजीद मजबूत बनाया जाएगा। IG पंजाब ने मजीद कहा कि सरहदी इजला में दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए पंजाब पुलिस को नए APCs, थर्मल कैमरे, नाइट विजन गूगल्स, दूर और क्वाड कॉप्टर्स दिए जाएंगे। डाकुओं, शरपसंदों की खुफिया पनाहगाहों तक रसाई, ऑपरेशंस में क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। सेफ सिटी ने कार्रवाई करते हुए झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले मोबाइल स्नैचर को कैमरों के जरिए ट्रेस करके गिरफ्तार करवा दिया। तफसीलात इस खसूसी वीडियो में। अस्सलाम जी, बोले सर। ये मैं सर्वस्व हॉस्पिटल इमरजेंसी के बाहर हूँ, मेरा मोबाइल छीन के ले गए यार। कौन? 125 से। आपका नाम? मेरा नाम जी बट्टा मार के ले गए। हाँ जी, चलिए मैं भिजवा रहा हूँ पुलिस, ठीक है? ये सर्विस हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर। हाँ जी। दिन दिहाड़े मोबाइल स्नैचिंग की वारदात करने वाले थे इस बात से बेखबर कि सेफ सिटी कैमरों की है उन पर नजर। जो ही 15 पर स्नैचिंग की कॉल मौसूल हुई, वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने सेफ सिटी कैमरों के जरिए स्नैचर्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया। सेफ सिटी कैमरों के जरिए देखा जा सकता है कि दो मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार शहरी से मोबाइल छीन कर हुए फरार। वहां से मुलजमान अपने एक साथी के पास पहुंचे और उसको लेकर पहुंचे एक और साथी के पास और आपस में बांटा लूट का माल। सेफ सिटी कैमरों ने मुलजमान की सारी वारदात का लगाया सुराग। सेफ सिटी फुटेज के जरिए स्नैचर्स को बिल्डिंग में दाखिल होते देखा जा सकता है, जहां उन्होंने की मजीद प्लानिंग।
कानून की नजरों से बचने के लिए मोटरसाइकिल भी तब्दील की, लेकिन सेफ सिटी कैमरों से ना बच सके। सेफ सिटी की जानिब से स्नैचर्स की सारी फुटेज पुलिस को फराहम की गई ताकि मुलजमान की गिरफ्तारी जल्द से जल्द अमल में लाई जा सके और इनको करार वाकई सजा मिल सके। शहरी रहे मोहतात और अपने इर्द गिर्द किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरन 15 पर दें। महकमा मौसमियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया, देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 119, पंजाब यूनिवर्सिटी में 90 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 110 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। ननकाना साहब में बैसाखी मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए 857 भारतीय सिख यात्रियों का पहला काफिला बजरिया ट्रेन ननकाना साहब पहुंच गया। डीपीओ साद अजीज, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने दीगर जिलई सरबराहान के हमरा मेहमान यात्रियों का इस्तकबाल किया। पुलिस अफसरान और जवानों ने मेहमान यात्रियों की हिफाजत के साथ खिदमत और मदद को भी यकीनी बनाया। मेहमान यात्रियों को खसूसी बसों के जरिए सिक्योरिटी के सख्त हसार में गुरुद्वारा जन्म अस्थान पहुंचाया गया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुरतकबाक इस्तकबाल पर मेहमान यात्रियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार और इज्जत कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकाम पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम सेल में अफसरान की खसूसी ट्रेनिंग जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने साइबर क्राइम सेल अफसरान की ट्रेनिंग का जायजा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा कि पुलिस अफसरान को जराइम पेशा अनासिर से नबर्द आजमा होने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग दी जा रही है। कोर्सेज मुकम्मल होने के बाद अफसरान को मुख्तलिफ थानों में तायनात किया जाएगा। साइबर क्राइम सेल खवातीन को हरासा, ब्लैक मेलिंग समेत फाइनेंशियल क्राइम में मुलविस मुलजमान के खिलाफ काम करेगा। साइबर क्राइम सेल का मकसद मुतासरा शहरियों को फौरी इंसाफ मुहैया करना है। सेलेक्ट होने वाले अफसरान जल्द डिजिटल क्राइम से मुतालिक जराइम पर वर्किंग शुरू कर देंगे। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।